नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के अंदर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आप सभी को टॉप 10 वेबसाइट के बारे में बताने जा रहे हैं जो वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही मशहूर है फ्रेंड, लेकिन आपको शायद इनके बारे में पता नहीं होगा फ्रेंड। अगर आप इन वेबसाइटों को जानेंगे फ्रेंड, तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि आखिर वेबसाइटें किसने बनाई है और ये काम कैसे करती है। और फ्रेंड, आपको इन वेबसाइटों में कौन सी वेबसाइट अच्छी लगे उनके कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहले नंबर वाली वेबसाइट है पॉइंटर पॉइंटर। इस वेबसाइट पे क्या होता है फ्रेंड, जो भी आपका माउस का जो कर्सर होता है, आप इस फोटो के बीच में जहाँ भी इस कर्सर को रखेंगे वहीं पे अंगुली का निशान आएगा फ्रेंड, और फोटो ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। तो फ्रेंड, मैं करके दिखाता हूँ। जो कर्सर दिख रहा है इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, तो यहाँ पर लोडिंग होता है फ्रेंड। मैं आपको इसमें 3 इमेज ये देखिए फ्रेंड, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर कर्सर किया तो ये अंगुली वहीं पर आ गई। अब मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, तो इसके बाद में देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड, देख सकते हो आप सभी लोग, यहाँ पे कर्सर आ गया। इसके बाद में यहाँ पे ले जाता हूँ, तो फ्रेंड देखिए फ्रेंड, ये देखिए अंगुली यहाँ पे आ गई है फ्रेंड। ठीक है, अब ये चौथा नंबर का एक और बता देता हूँ आपको, ये देखिए फ्रेंड। तो इसके बाद में दूसरे नंबर की वेबसाइट आती है ये वेबसाइट फ्रेंड। इस वेबसाइट के अंदर क्या होता है, इस फोटो का, इसमें आपको 4-5 फोटो मिल जाती है। इस फोटो का कभी भी अंत नहीं होगा फ्रेंड, ये अनंत है, ये फोटो चलती ही रहेगी। मतलब इसके अंदर जो भी फोटो है सारी फुल HD के अंदर है, और ये इनका अंत नहीं होगा पूरी फोटो का। तो फ्रेंड, आप सभी लोग देख सकते हैं इसके अंदर कि इसका अंत नहीं हो रहा है, ये इसके अंदर चलती ही रहेगी, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये चलती ही रहेगी। और आप इसके अलावा और भी फोटो देख सकते हैं, आपको यहाँ पर और भी फोटो मिल जाएगी। तो फ्रेंड, सभी लोग देख सकते हैं इसके अंदर कि इसका अंत नहीं है इस फोटो का। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी लोग देख सकते हैं फ्रेंड, ये चलती ही रहेगी। तो देख सकते हैं यहाँ से आप इसकी स्पीड को आगे पीछे भी कर सकते हैं, जो नीचे कर्सर दिख रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर की वेबसाइट आती है ऐसी। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप इंग्लिश में निबंध लिखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर फ्रेंड, तो आपको इसके अंदर किसी भी चीज़ का ये टाइटल डाल देना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो आप इसमें किसी भी टाइटल को डाल दीजिए। तो मैं जैसे डाल देता हूँ, ये नरेंद्र मोदी के बारे में डाल देता हूँ, या सचिन पायलट या विराट कोहली के बारे में डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो मैं डाल देता हूँ, तो VIRATKHOKOHALI। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं ये नरेंद्र मोदी के बारे में डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, अगर आप स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक करोगे तो ये नहीं होगा। तो ये देखिए लोडिंग होने लग गया फ्रेंड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने अपने कीबोर्ड के किसी भी अक्षर को टाइप कीजिए, बार बार करते रहिए। इसमें एक भी स्पेलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि जैसा मैं कर रहा हूँ फ्रेंड। कि देखिए, आप सभी लोग देख सकते हैं कितने भी बड़ा आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, बड़े से बड़ा। आपको अपने जो कीबोर्ड है उसका कोई भी बटन को प्रेस करना है, चाहे आप एक ही बटन को बार बार प्रेस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितना बड़ा, आप एकदम ईजीली किसी भी ऐसी को आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है फ्रेंड स्ट्रिंग। ठीक है, ये एक वेबसाइट है jfrank.com। तो शायद इसका अभी काम नहीं कर रहा है ये, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये सभी लोग देख सकते हैं ये एक वेबसाइट है, लेकिन फ्रेंड आपको इसमें कुछ एरर आ सकता है। तो अगर कुछ एरर आती है तो आपको अपना एक क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, और आपको नॉट सिक्योर पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको ये फ्लैश वाला ऑप्शन दिखेगा फ्रेंड। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे फ्लैश वाला ऑप्शन नहीं दिखे, या अगर ये दिखाई देता है, तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आएंगे, तो इसको अलाउ करना है। अगर ये यहाँ पे दिखता नहीं है तो फ्रेंड, तो आपको साइड सेटिंग में जाना है। साइड सेटिंग में जाने के बाद में देखिए फ्रेंड, आपके सामने इसको यहाँ पर नीचे स्लाइड करना है, और ये फ्लैश वाले ऑप्शन को अलाउ करना है। ठीक है फ्रेंड, इसको अलाउ करने के बाद में वापस इस वेबसाइट पे आना है, इसको रिफ्रेश करना है, और आप यहाँ पे जो भी इमेज टाइप करोगे वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगी फ्रेंड। तो सभी लोगों को मैं बता देता हूँ करके, तो आपको इसमें ऐसे कर दिया मैंने थोड़ा बहुत। इसके बाद में क्लिक हियर टू स्पीड, इसके बाद में फ्रेंड देखिए ऑटोमेटिक ये 3D में चेंज हो रही है इमेज।
तो इस प्रकार से ये वेबसाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, बहुत ही काबिलेदार है। आखिर ये वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट किसने बनाई होगी फ्रेंड। इसके बाद में होता है फ्रेंड द फेस, फेसबुक ऐसा कोई वेबसाइट है, तो आपके साथ में ये आएगा फ्रेंड। तो इसके अंदर ये देखिए फेस 354, 272, 349 फ्रेंड, आप सभी लोग इसकी काउंटिंग करके देख सकते हैं। तो इतने सारे फेस इसके अंदर अवेलेबल है, जो आपने फेसबुक देखे होंगे, फेसबुक पर जो भी फोटोज अपलोड होती है, तो उन फोटोज़ का जो 354 यानी आप सभी लोग देख सकते हैं इनकी काउंटिंग करके 35,42,72,349 फेस अवेलेबल है इसके अंदर यानी मौजूद है। अब आप इनमें से कहीं किसी भी जगह पर फोटो क्लिक करोगे तो आपके सामने सारी फोटोएं दिखने लग जाएगी फ्रेंड। तो आप इन पे किसी भी फोटो पे क्लिक करके इनकी प्रोफाइल भी जान सकते हैं, कि जैसे मैंने इसकी प्रोफाइल जानना चाहा तो फ्रेंड आप इस पे क्लिक करोगे तो इसका प्रोफाइल खुल जाएगा फ्रेंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो अभी मेरा इस पे लॉगिन फ्रेंड लॉगिन नहीं कर रहा है, इस वजह से नहीं खुल रहा है। पहले आपको अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आप इनमें से किसी का फेसबुक खोल सकते हैं। इसके बाद में बात आती है फ्रेंड इस वेबसाइट की, इसका नाम है mordom.com। तो इस वेबसाइट में आप सभी लोग देख सकते हैं ये सारे एकदम मतलब जो भी एकदम पूरे अलग अलग हो रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं फ्रेंड। तो सभी लोग देख सकते हैं जैसे मैं माउस का कर्सर घुमा रहा हूँ वैसे ऐसे काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये एक ये ग्रेविटी है जो गुरुत्वाकर्षण होता है, उसी प्रकार का इसमें गूगल ने इस प्रकार से दिया है फ्रेंड। तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को टाइप कर सकते हैं। हाँ ये ओनली वर्किंग नहीं करेगी, अगर आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करोगे तो ये काम नहीं करेगी फ्रेंड। ओनली आपकी चॉइस के लिए, आपको देखने के लिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए। तो फ्रेंड आप इस वेबसाइट पर भी एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में एक वेबसाइट आती है गूगल स्पेस फ्रेंड, ये वेबसाइट बहुत ही कमाल की है। इन सारी वेबसाइटों का लिंक मैं आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ से जाके। तो फ्रेंड आप सभी लोग देख सकते हैं, इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको मेरी वेबसाइट बता देता हूँ, एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। तो फ्रेंड ये सभी लोग देख सकते हैं मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड, आप जो माउस का जो कर्सर होता है इससे इधर से उधर इनको हटा सकते हो, इनसे इधर से उधर इनको मार सकते हैं। ये ग्रेविटी है फ्रेंड, तो ग्रेविटी के कारण देखिए फ्रेंड इसको आप इधर से उधर ले जा सकते हो। तो सभी लोग देख सकते हैं बहुत ही कमाल की वेबसाइट है फ्रेंड। इसके बाद में आती है फाइटर, जो फ्लाइट होती है फ्लाइट रडार फ्रेंड, आप इसमें किसी भी कंट्री में देख सकते हो कि कौन सी एयरप्लेन कौन सी जगह उड़ रही है, कहाँ पे है, यानी इसकी लाइव लोकेशन पता कर सकते हो। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे लिखना होगा, मैं जैसे इंडिया से हूँ तो इंडिया लिख देता हूँ, ठीक है, इंडिया लिख के सर्च करता हूँ फ्रेंड। तो आपको इंडिया की जो भी सारी जो जो फ्लाइट है वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। तो फ्रेंड सभी लोग देख सकते हैं ये सारी इंडिया की फ्लाइट है, और यहाँ पे आपको ट्रेन जो भी टेम्परेचर वो भी बता रहा है। लेकिन फ्रेंड योर सेशन है टाइम आउट, आपको इसको रिफ्रेश करके वापस करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा वेबसाइट पे आने का टाइम है वो ख़त्म हो गया है, तो हम वापस आके बता देते हैं आपको। तो फ्रेंड ये सभी लोग देख सकते हैं, इसको हम वापस सर्च करेंगे इंडिया, ठीक है फ्रेंड, दिल्ली लगा के देखते हैं। तो फ्रेंड ये इंडिया के अंदर लगाते ही देखिए इंडिया, इंडिया लगा देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो इंडिया पायलट ये जो भी है, तो फ्रेंड ये देखिए सारी यहाँ पे ये आ जाएगी। तो मैं किसी एक पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साइड में ये है, और इसका जो भी सारा इसका टाइम आ गया, कौन से कितने बजे जाती है, कंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन ये यूएसए के लिए जाती है, और ये यहाँ से मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई फ्रेंड। ये देखिए अभी ये लाइव बता रहा है कि यहाँ से यहाँ पे उड़ रही है फ्रेंड, अभी ये ऑनलाइन है फ्रेंड, ये उड़ रही है, यहाँ से निकली थी और यहाँ पे जा रही है। तो फ्रेंड ये वेबसाइट भी बहुत ही कमाल की है, आप इस वेबसाइट पर भी जाके ज़रूर देखिएगा फ्रेंड, आप यहाँ से इसको और बड़ा कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद में आते हैं स्टार क्रोम एक्सपेरिमेंट्स फ्रेंड, ये अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके स्टूडेंट या किसी भी स्टूडेंट है तो फ्रेंड आपके लिए ये वेबसाइट बहुत ही कमाल की होने वाली है। इसमें आपके जो आकाश
आकाश होता है। आकाश गंगा के अंदर जो भी ये तारे होते हैं, सितारे होते हैं, उपग्रह होते हैं, ये ग्रह होते हैं, तो उनके बारे में सारी जानकारी मिलेगी, यहाँ तक कि सूर्य तक की जो भी आप यात्रा कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे। तो फ्रेंड साइड में आपको ये दिख रहा होगा, तो इससे आप इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये पास पास आता जाएगा सूर्य से, यानी हमारी पृथ्वी, अब हम पृथ्वी से जा रहे हैं, तो फ्रेंड ये ऐसा दिखने लग जाएगा। तो देख सकते हैं आप सभी लोग, अभी सारे इसके अंदर दिख जाएंगे फ्रेंड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड, और वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड। हम 20,000 लाइक का टारगेट देते हैं, तो प्लीज़ 20,000 लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड इसको हम और भी बड़े देखेंगे, और भी आसानी से देखेंगे। तो फ्रेंड अब देखिए, एक मिनट फ्रेंड, मैं आपको बहुत ही दूर ले गया। तो फ्रेंड ये सभी लोग देख सकते हैं, ये देखिए, अब यहाँ से देखेंगे इसको, तो हम धीरे धीरे इसको पास ले जाते हैं। तो जो भी ये तारे हैं, इनके नाम आ गए फ्रेंड, जो भी है, जो देखे सारे तारे के नाम आ गए, और जो ये फालतू तारे, ये अलग अलग है, जो मेन मेन स्टार है वो आ गए फ्रेंड, सभी लोग देख सकते हैं। और ये पूरा आकाश गंगा का शो फ्रेंड, ये देख, ले लैंड और कूरगर, ये सारे, ये देखिए आकाश गंगा का शो पूरा। इसके बाद में आपके ये ग्रह भी आएगा, वन लाइट ईयर, जो एक प्रकाश ईयर होता है फ्रेंड, ठीक है, 9.46 × 10^15, इसको वन लाइट ईयर भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो सभी लोग देख सकते हैं वन लाइट ईयर। इसके बाद में हम और भी पास जाएंगे, तो ये देखिए फ्रेंड, जो भी हमारे ये ग्रह होते हैं वो सारे आ गए, अर्थ, वीनस, मैन, मरकरी, सारे आ गए फ्रेंड। इसके बाद में देखिए फ्रेंड, सूर्य, ये सूर्य आ गया फ्रेंड हमारा, तो ये देख सकते हैं सूर्य आपके सामने दिख आया है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगी, अगर आप इनके बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हैं कि इसके बारे में, देखिए मैं आपको बता देता हूँ तो थोड़ा बहुत करके। तो जैसा कि मैं किसी भी चीज़ पे क्लिक करता हूँ, वन मिनट फ्रेंड, तो इसको देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हो फ्रेंड, ये चारों ओर घूमता रहता है। और फ्रेंड आप इन पर क्लिक करके इनके जो भी ये ग्रह है और स्टार है, इनके बारे में जानकारी ले सकते हो कि ये कब बना, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो फ्रेंड आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, सो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और फ्रेंड आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइए, आपको इन वेबसाइटों में सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या आपको ऐसे ही मज़ेदार वेबसाइट के बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए दूसरी वीडियो और बनाएंगे, जो आपको बहुत ही कमाल की अमेजिंग वेबसाइटों के बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।